सनत जयसूर्या जो श्रीलंका के अपने टाइम के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर रहे हैं, जिनकी बॉलिंग और बैटिंग में दुनिया मरा करती थी। जयसूर्या लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर थे। रिसेंट में PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक अपडेट सामने आया है जो ये कह रहा है कि 27 जुलाई से इंडिया और श्रीलंका की जो T20 और ODI सीरीज शुरू होने जा रही है उसमें सनत जयसूर्या को श्रीलंका का इंटरिम कोच बनाया जा रहा है। हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप में जयसूर्या श्रीलंकन टीम के कंसल्टेंट रहे थे। इसके पहले तक टीम के हेड कोच इंग्लिशमैन क्रिस सिल्वरवुड थे, जिन्होंने लास्ट वीक अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। इस साल के वर्ल्ड कप में श्रीलंकन टीम का परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं। ये लोग ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो गए थे, सुपर 8 तक क्वालिफाई नहीं हो पाए। क्रिस सिल्वरवुड के रिजाइन करने के बाद ही जयसूर्या को टेम्परेरी बेसिस पे श्रीलंकन टीम का कोच बनाया जा रहा है। इसके पहले जयसूर्या चीफ सिलेक्टर भी रह चुके हैं और इनके प्राइम की अगर बात करी जाए तो इन्होंने 1991 से 2007 के बीच 110 टेस्ट मैचेस खेले, इसमें 6,973 रन, इसमें 14 सेंचुरीज और 31 हाफ सेंचुरीज शामिल हैं। डेली मिरर न्यूज़ के अकॉर्डिंग ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि 21 अगस्त से जो श्रीलंका टूर ऑफ इंग्लैंड होने जा रहा है, इसमें श्रीलंका इंग्लैंड की 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होंगी, इसका चार्ज भी सनत जयसूर्या ही लेंगे। इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे की सीरीज भी खत्म होने जा रही है, तो इंडिया के हेड कोच भी इसके बाद ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिए जाएंगे। लेट्स सी, अगर गौतम गंभीर बनते हैं तो बहुत एक्साइटिंग होगा इंडिया श्रीलंका सीरीज देखना, क्योंकि एक काफ़ी अलग स्ट्रैटेजी से प्लेयर्स को खेलते देखने मिलेगा। व्हाट डू यू थिंक, क्या सनत जयसूर्या को आने वाले टाइम में श्रीलंकन टीम का हेड कोच बनाया जा सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें क्रिकेट ज्ञान।